पंजाब विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरे पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नया दांव खेला है। उन्होंने मोहाली में पत्रकारों से बातचीत में कहा, आम आदमी पार्टी की तरफ से अगले हफ्ते सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन सीएम का चेहरा कौन होगा ये जनता तय करेगी। इसके लिए जनता अब अपनी राय दे पाएगी। इसके लिए फोन नंबर जारी किया गया है, 17 नवंबर तक लोगों को इस पर राय देनी होगी। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि लोगों को संदेह है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की दौड़ में होंगे, लेकिन वह इसमें शामिल नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले, कोई बाहर का होगा भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर, ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं अपने को। हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा। नंबर जारी कर रहे हैं 7074870748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है, 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए, जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी रिकॉर्ड आवाज़ छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला। और पटियाला में आम आदमी पार्टी को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। श्रोमणी अकाली दल के पूर्व विधायक के बेटे अजीत पाल कोहली ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। अजीत पाल कोहली पटियाला नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं। इनके पिता पंजाब में विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान ने उन्हें पार्टी में पटका पहनाकर शामिल किया। इस मौके पर अजीत पाल ने कहा है कि आज राजनीति का सफर स्तर गिरता जा रहा है, साथ ही श्रोमणी अकाली दल भी अपने विचारधारा से भटक रही है, ऐसे में आम आदमी पार्टी की विचारधारा पर विश्वास करते हुए इसमें शामिल हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान ने कहा है कि पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर एक बेहतर पंजाब बनाने के लिए अच्छे लोग शामिल हो रहे हैं, इससे पार्टी को आगामी चुनाव में फायदा होगा। आज आम आदमी पार्टी एक ऐसी शख्सियत शामिल हो रही है जेडे के मुख्यमंत्री सबका कैप्टन अमरिंदर सिंह होर दे हल्के तो ने पटियाला तो पटियाला शहरी ते पटियाले दे विच इस परिवार का समाजिक कम्मां च नाम है। मेरा मतलब है अजीत पाल कोहली जी जेडे के मेयर भी रहे ने पटियाले दे, इन्हां दे पिता जी सरजीत कोहली जी वो भी समाज की सेवा दे विच बड़ा योगदान उन्हां दा, सो वो साढ़े परिवार दे भी शामिल हो रहे ने। आम आदमी पार्टी की अमृतसर ईस्ट की उम्मीदवार जीवन ज्योत कौर पिछले 3.25 साल से पुलिस को वांछित है, लेकिन आज तक पुलिस ना तो उसे गिरफ्तार कर पाई है और ना ही उसका ठिकाना तलाश पाई है। मामले को उजागर करने वाले बेरका निवासी समाज सेवक धर्मेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि आप नेता जीवन ज्योत कौर की पुलिस के अधिकारियों से अच्छी सेटिंग है, जिस कारण पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। देखो इदा आ कि पहली गल तो अज मैनू ये अज पहले दिन महसूस होया भी मैं पंजाब की पॉलिटिक्स पैर रख लिया। सो दूसरी चीज़ मैं ये कह रही कि जिहड़ा केस है ये तो बिल्कुल हक सच की लड़ाई वाला केस है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने मेरे नाल चीटिंग की सी, मेरे चैक्स मिसयूज किए गए, जिस करके मैं इन्हों की कंप्लेंट की सी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पोर्टल है उस उत्ते इसकी कंप्लेंट की सी। और किस्मत चंगी कहो या ये कहो भी हक सच की लड़ाई सी, तो उस कंप्लेंट से फॉरन
एक्शन लिया गया और बैंक नू विजिलेंस की इनकुआयरी मार्क हो गई सी। बैंक ने मेरे ते बहुत अनड्यू प्रेशर पाया कि एक कंप्लेंट वापस ले जाए, नहीं तो बैंक मेरा पोलिटिकल करियर जीरो कर देगा। सब कुछ आ, लेकिन अज मैनू कितने तो पता लगा और मैं ईवन कोर्ट पा के मोबाइल के कोर्ट दियाँ कापियां कढ़ाइया, जबकि 2017 मैडम जीवनजोत कौर जी जिहड़े ने डिफाल्टर पाए गए ने वो कापियां मेरे कोल ने, मैं कापियां कढ़ा के लिया अज उतों कंप्यूटर तो मेरे कोल ने 2017 इन्हों पीओ करार दिता गया, जबकि पुलिस ने अजे तक इन्हों कोई भी कार्रवाई नहीं पाई, इन्हों अरैसट नहीं किया गया। जिदा कि इन्हों की कापी है देखो जी कोर्ट दे, ठीक है जी, ये इन्हों के जीवनजोत कौर साहब का नाम ही इन्हों इन्हों का फाइल नंबर है सारा, और ये ही मेरे को आर्डर की कापी भी है पीओ की, यह जरा इन्हों का पीओ का आर्डर है यह कापी है जी, मेरे कोई लैनी चाहे। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायकों का पार्टी छोड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर की मीरपुर सीट से विधायक अवतार सिंह बड़ाना ने भाजपा का दामन छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल का हाथ थाम लिया। लोकसभा चुनाव 2014 में फरीदाबाद के वर्तमान सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने अवतार सिंह बड़ाना को 4.5 लाख वोटों से हराया था। इस हार के बाद से अवतार सिंह बड़ाना इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो गए थे और फिर 2015 में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। उसके बाद बड़ाना ने 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मीरापुर सीट से जीत हासिल की थी। अवतार सिंह बड़ाना 1991 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। उसके बाद 1999 के लोकसभा चुनाव में अवतार सिंह बड़ाना को कांग्रेस ने मेरठ लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया और उन्होंने जीत दर्ज की। एक बार फिर 2004 में अवतार सिंह बड़ाना फरीदाबाद से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे और जीत हासिल की। 2009 के लोकसभा चुनाव में अवतार सिंह ने फरीदाबाद से जीत दर्ज की। इस तरह अवतार सिंह बड़ाना 3 बार फरीदाबाद और 1 बार मेरठ से सांसद रहे। जी नहीं, मैंने तो 2 साल पहले जब किसानों पर जुल्म होने शुरू हुए उसका विरोध किया था और मैंने अमित जी के जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनको मैंने इस्तीफा भेज दिया था कि इस तरह किसानों पर हमारे समाज पर हम पर जुल्म होंगे तो वो हमें बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हमने राष्ट्र कार्यकारिणी से भी और MLA से भी मैंने इस्तीफा दे दिया था। ये उनकी मर्जी है, वो पार्टी का अपना फैसला है, उन्होंने आज तक मेरा इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं किया। लेकिन उससे ज़्यादा बेहदी होती रही और हमारे समाज पर जो घटनाएँ घटी, जेवर चुनाव लड़ने का पीछे कारण भी एक है कि जेवर हमारा हेडक्वार्टर है, हमारे समाज की राजधानी है गुजरों की, उस राजधानी में हमारे सम्राट महीर भोज का अपमान हुआ, उस पर कालत पुतवाई गई, उस जो MLA है वहाँ उस MLA में उसकी कार्यस्थानी थी और योगी जी देख खड़े होकर तमाशा देखते रहे, हमारे समाज का अपमान हुआ, हमारा वजूद कहा, हमने कह दिया हमें किसी से डर नहीं है, अगर बीजेपी की सरकार बनवा सकते हैं तो उसको उखाड़ भी सकते हैं। और पंजाबी गायक सिद्धू मूसे वाला के गांव में बेरहमी से किए गए मां बेटे के कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने मृतक के सगे बेटे अपने 4 साथियों के साथ मिलकर अपनी मां और भाई को कत्ल कर गए, जिसके चलते पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कत्ल बेटे ने सुपारी देकर करवाया था। पुलिस ने हथियारों समेत दोषियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। कत्ल कांड दे विच एक माता 65 साल की जिन्हों की उम्र सी, जसविंदर कौर ते इन्हों दे बेटे जगसीर एलियास बूटा 40 साल दे सीगे, इन्हों दा बड़ी बेरहमी नाल सर वड के जिहड़ा है वह कतल किया गया सीगा। ते इहदे विच साडी टीम ने बड़ी मेहनत की, जिहदे विच बाद च खुलासा होया कि इन्हों दा ही बेटा हैगा माता दा कुलविंदर काका, जो कि इन्हों तो वड मानसे शहर दे विच रहिंदा, इह पिंड च रहिंदे सीगे, इह कार चलाउण दा ड्राइवरी दा काम करदा है। इन्हें अपने साथी अकबर खान, जगसीर सिंह अते जसकरण सिंह उर्फ जस्सी, इन्हां नाल मिल के जमीन दे लालच विच अपने मां ते अपने भरा दे कतल दी प्लानिंग कीती। लोहड़ी के मौके पर मानसा में एक परिवार की ओर से अपनी 2 बेटियों को लोहड़ी मनाई गई है। इस मौके पर गीत संगीत का प्रोग्राम भी रखा गया। इस मौके पर परिवार ने
लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं है, इसीलिए लड़कियों को बराबरी का दर्जा दिया जाए और लड़कियों की हौसला अफजाई करने के लिए ऐसे त्यौहार जरूर मनाए जाएं। लोहड़ी के त्यौहार पर मानसा में एक परिवार की ओर से अपनी दो बेटियों की लोहड़ी मनाई गई। इस मौके पर गीत संगीत का आयोजन भी किया गया, लोगों में मिठाइयाँ बांटी गईं। परिवार के लोगों ने बताया कि उनके दो बेटियां हैं और उन्होंने कभी भी बेटे की कमी महसूस नहीं की। लोहड़ी का त्यौहार मनाने का मकसद यह है कि ये समाज में लोग बेटियों को बराबरी का दर्जा नहीं दे रहे, क्योंकि बेटियां माता पिता के साथ सदा खड़ी रहती हैं, इसलिए उन्हें बराबरी का दर्जा देने के लिए लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। मैं लोगों को कहना चाहता हूँ जो भी थोड़े घर बेटी या बेटा होंगे, पहली गल तो यह नहीं कहनी बेटी होया जा बेटा होया, तुम्हें यह कहना है भी साढ़े बच्चा होया गा, ठीक है, वो तंदुरुस्ती खुशी लिए अरदास करो रब मूहरे, ठीक है ना, तो बच्चियां बेटिया भी उन्ना ही प्यार दो जिन्ना आप बेटियां दिने, ठीक, ये कोई ज़्यादा नहीं खादियाँ जो घरों नहीं लैके जा माँ प्यो के, ये भी बराबर का मतलब नाल खड़दियाँ ने माँ प्यो के अपने। मेरिया दो बेटिया ने, असी पहली बेटी बारे भी असी लोहड़ी मनाई सी और दूसरी बार भी असी लोहड़ी मना रहे हैं अते होर भी ज़्यादा धूमधाम ना मनाई है। साडे लई बेटे ते बेटी विच कोई फर्क नहीं, जो भी दिता रब की दिती दात आ, असी रब की हर दात नूं मंजूर किया गा, और अज दे टाइम ते बेटी भी बेटे दे बराबर है जो हर थां ते नाल खड़दी है, सानूं इहदे विच कोई भेदभाव नहीं, सानूं बहुत खुशी है। मैं तां समाज नूं इही कहना चाहुंदा जिहड़े समाज दे लोभी लोक दाज दे लोभी लोक ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸ ਦਿੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਹੱਕ ਕੇ ਧੌਣ 'ਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਖਬਰਾਂ ਕੇ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਜਨਤੰਤਰ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ, ਨੈਵਰ ਮਿਸ ਐਨੀ ਅਪਡੇਟ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਜੀਏ ਜਨਤੰਤਰ ਟੀਵੀ ਐਪ ਕੋ, ਜੋ ਕਿ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਔਰ ਐਪ ਸਟੋਰ ਪਰ। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।